दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। ये आज की सबसे बड़ी खबर होगी क्योंकि आपने देखा होगा अभी जिला पार्षद के चेयरमैन के चुनाव हुए थे जिसमें विजय लोहिया की जीत हुई थी, लेकिन वो कई बार जेजेपी में गए, फिर बीजेपी में गए और अभी अभी पता चला है फिर से वो भाजपा में आ गए हैं। तो फरीदाबाद में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। विजय लोहिया खुद कह रहे हैं मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा, हरियाणा सरकार भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम करूँगा। तो एक प्रेस वार्ता भी हो रही है, आइए आपको लाइव दिखाते हैं। और भाजपा नेता दीपक डागर भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। हरियाणा भाजपा को आज एक सर नमस्कार दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं जरा बताएं। पहले मैं हरियाणा भाजपा को नमस्कार करता हूँ और अपने भाई विजय चेयरमैन जी की तरफ से और अपने भाई विजय चेयरमैन जी का बीजेपी में दोबारा से आने के लिए धन्यवाद करता हूं। विजय जी पहले बीजेपी में थे, उसके बाद जेजेपी में गए, फिर शायद बीजेपी में आए, फिर जेजेपी में गए, आज फिर बीजेपी में आ गए। विजय जी क्या कहेंगे आज? मैं आज भी पूरी आस्था मेरी बीजेपी में है, मैं बीजेपी में हूँ। ठीक है, ये गठबंधन की सरकार के कारण मैं उधर गया था, आज मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। अच्छा, आप बीजेपी का ही माने आपको आज के बाद? हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कल फिर से वापस चले जाओ? नहीं ऐसा बीजेपी में नहीं जी। ऐसा क्या हुआ कि आप पहले बीजेपी में थे फिर जेजेपी क्यों ज्वाइन की, क्या वजह रही जेजेपी ज्वाइन करने की? ऐसा जो हमारी गठबंधन सरकार चल रही है वहाँ मैं आशीर्वाद लेने के गया था। अच्छा। आशीर्वाद में जैसे उन्होंने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया, पटका पहनाकर मान सम्मान दिया। ठीक है जी, तो पटका पहनना तो कहीं ना कहीं जेजेपी में ज्वाइनिंग मानी जाती है, फिर आज बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे आप? जो बीजेपी का कार्यशैली देखकर आपने मंत्री जी के यहाँ बीजेपी का पटका पहना था किशन पाल जी के यहाँ जो है, उसके बाद फिर आप जेजेपी के साथ दिखे और आज आप बीजेपी, तो मंत्री जी से क्या खास उम्मीद है आपको? जो मंत्री का जो विकास से विकास देखा मैंने, कार्यशैली देखी। अच्छा, ठीक है जी, कृष्ण पाल जी मान, हाँ कृष्ण पाल की जी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं आज भी। तो अभी सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं आप जो है? हाँ, आज मेरी पहली मीटिंग है। दीपक जी ये चमत्कार आपने कैसे किया? जो ऐसा भी चमत्कार नहीं है, ये परिवार है। अच्छा, और ऐसा है भाई साहब की आगे कोई राजनीतिक वो तो था नहीं, अब हमें तो ये भी नहीं पता कि पटका पहनने से जेजेपी जॉन हो जाएगी या बीजेपी जॉन हो जाएगी। हम पहले भी बीजेपी में थे और अपने कृष्ण पाल ताऊ जी के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे और उनके विकास को आगे बढ़ाएंगे, उनको उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। तो आज मीटिंग होने वाली है सीएम साहब के साथ। हाँ जी, तो यही मान के चले भाजपा नेता विजय लोहिया सीएम साहब से मिले हैं एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, यही मानकर चले जी। बदलाव तो नहीं होगा आगे? कल पता लगा यहाँ के जो जजपा नेता है कल भाई, हमारे हिंदू समाज में हमारे हिंदू समाज में एक मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ भाई, गलती छोटों से हो जाती है, नादानी में अज्ञानवश आगे मकर संक्रांति आ रही है, हम इस उपलक्ष में उन्हें मनाने के लिए हमारे भाई खुद अपने साथ हमारे साथ चल के आए हैं और मकर संक्रांति पे हम बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। और हमारी केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के साथ आस्था थी, है और सदा रहेगी। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। देखिए एक बड़ी खबर आई है, जो विजय लोहिया हैं कंधावली गांव के रहने वाले हैं, अभी जिला परिषद का चुनाव उन्होंने जीता था, चूँकि ये सीट रिजर्व थी SC के लिए, तो ये चेयरमैन भी बने हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा यहाँ के जजपा नेता इनको लेकर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पास चले जाते थे, वहाँ पर JJP का पटका पहना देते थे, उसके बाद प्रेस नोट आता था कि विजय लोहिया जजपा नेता है और जजपा से चेयरमैन बने हैं, तो ये JJP की बड़ी कामयाबी है। अब ये कभी कृष्ण पाल गुर्जर के दफ्तर जाते थे तो वहाँ पे BJP का पटका पहन लेते थे, तो कहा जाता था ये BJP नेता है और BJP की कामयाबी है। तो दोनों पार्टियों में मतलब अपना क्रेडिट लिया जा रहा था कि मेरी जीत है, मेरी जीत है, मेरी जीत है, मेरी जीत है। लेकिन आज विजय लोहिया फिर से प्रेस के सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं और बताया है कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा के साथ रहूँगा, मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के साथ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर
काम करूंगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो भाजपा नेता दीपक डागर के ऑफिस पर ये प्रेस वार्ता थी और आपने दीपक डागर का भी बयान सुना। उन्होंने भी कहा कि भाई विजय लोहिया मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के साथ है, उनके साथ मिलकर काम करेगा, ये भाजपा में है, भाजपा में रहेगा और पीछे जो बातें हुई हैं उनको भूला जाए, आज से ये भाजपा नेता है, भाजपा कार्यकर्ता है, ऐसा कहा गया है। बाकी जो भी अपडेट होगी, आज सीएम की मीटिंग है, जो पंच सरपंच जिला पार्षद हैं उनके साथ मीटिंग है तिवोली गार्डन में पलवल में, और मीटिंग में क्या होगा ये भी बताएंगे। इसके बाद ग्रीवेंस कमेटी की बैठक है, वहाँ भी सीएम साहब आएंगे, उसमें जो अपडेट होगी वो भी बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि विजय लोहिया भाजपा पार्टी में आ गए हैं पक्की तरह से, ये कह रहे हैं कि कल को वापस जेजेपी में नहीं जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या अपडेट आती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।